हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ आप लोग बहुत इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर रहे होंगे, खेल कूद मौज मस्ती सब कुछ चल रहा होगा। अब बिना देरी किए मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये सिक्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और 7 टॉपिक को भी कोशिश करेंगे कि इसमें कवर कर लें अगर हो सके तो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो उसको छोड़ देंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। इससे पहले कि अगर आपको टॉपिक्स कुछ पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बुक के नेम वाइज आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठे ताकि समझने में आसानी हो। बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 6th टॉपिक। अब ज़्यादा हम लोग देरी नहीं करेंगे, इसको फटाफट शुरू करना है क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो पढ़ेंगे इसमें दिया क्या हुआ है। बर्नियर एंड द डिजनरेट ईस्ट, यानी कि बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। अब इसको फटाफट से पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर दिया क्या हुआ है। इफ़ इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम बिकॉज ऑफ इट्स नोवेलिटी, फ्रांसोइस बर्नियर बिलोंग टू अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। ही वॉज फार मोर प्री ऑक्यूपाइड विथ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग वॉट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पार्टिकुलर, फोकसिंग ऑन सिचुएशंस विच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था, विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। हिज आइडिया सीम्स टू हैव बीन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड द इंटेलिजेंसिया टू इंश्योर दैट दे मेड वॉट ही कंसिडर टू बी राइट डिसीजंस। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, क्रिटिकल इंसाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने ग्रहण प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। हिज अकाउंट कंटेंस डिस्कसिंग ट्राइंग टू प्लेस द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स विद इन सम सॉर्ट ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, जनरली एम्फेसाइजिंग द सुपेरियरिटी ऑफ द लेटर। हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एट द इनवर्स ऑफ यूरोप। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रति लोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। ही ऑल्सो ऑर्डर द परसीव्ड differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the western world. उसने जो भी भिन्नताएँ महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। अब पढ़ लेते हैं इसका फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है द क्वेश्चंस ऑफ लैंड ओनरशिप, यानी भूमि स्वामित्व का प्रश्न। अकॉर्डिंग टू बर्नियर वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेज बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वॉज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। ही वॉज फर्म बिलीवर इन द वर्चुअल्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ क्रोन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। He thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among his nobles, and that this had disastrous consequences for the economy and society. This perception was not unique to Bernier, but is found in most travelers' accounts of the 16th and 17th century. उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था बल्कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। ओनिंग टू
owning to crown ownership of land, argued Burney, land holders could not pass on their land to their children. राजकीय भूमि स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है भूमि धारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे. सो दे वर अवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे. The absence of private property in land had therefore prevented the emergence of the class of improving landlords as invest Europe with a concern to maintain or improve the land. It had led to the uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry and a continuous decline in the living standards of all sections of society except the ruling aristocracy. इस प्रकार निजी भूमि स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय जैसा कि पश्चिमी यूरोप में रोका जो भूमि के रख रखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते थे. इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई है सिवाय शासक वर्ग के. एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पोवराइज्ड पीपल subjugated by a small minority of a very rich and powerful ruling class. इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है. बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द richest ऑफ द रिच देर वॉज नो सोशल ग्रुप और क्लास वर्थ द नेम. बर्नियर कॉन्फिडेंटली एसर्टेड देर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया. गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था. बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं. दिस देन इज हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर. इट्स किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस. इट्स सिटीज एंड टाउन्स वेर रूंड एंड कंटेमिनेटेड विथ इल एयर एंड इट्स फील्ड ओवर स्प्रेड विथ बसेस एंड फुल ऑफ pestilential marices and all this was because of one reason, crown ownership of land. तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा. इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था. इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका एकमात्र ही कारण था राजकीय भूमि स्वामित्व. Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of land. आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था. फॉर इंस्टेंस अबुल फैजल द 16th सेंचुरी ऑफिशियल क्रॉनिसलर ऑफ अकबर्स रेन डिस्क्राइब्स द लैंड रेवेन्यू एज रिमुनरेशंस ऑफ सोवरेनिटी ए क्लेम मेड बाय द रूलर ऑन हिज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड रेदर देन एज रेंट ऑन लैंड दैट ही ओन्ड. उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान. इट इज़ पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रेवल्स रिगार्डेड सच क्लेम्स एज रेंट बिकॉज लैंड रेवेन्यू demands were often very high. However, this was actually not a rent or even a land tax, but a tax on the crop. ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी. लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर बल्कि उपज पर लगने वाला कर था. बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थियोरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया. द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू फॉर इंस्टेंस यूज दिस अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेपोटिज्म अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया द ओरिएंट और द ईस्ट इंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट्स हु वर केप्ट इन कंडीशन ऑफ सब्जुगेशन एंड पॉवर्टी आर्गुइंग दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉट एग्जिस्टेंट. उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरकुंशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे जिससे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था.
अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्पायर एंड हिज नोबल्स बेयरली मैनेज टू सर्वाइव। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। दिस आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड एज द कंसेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाई कार्ल मार्क्स इन 19th century। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। ही आर्ग्यूड दैट इन इंडिया बिफोर कॉलोनियलिज्म सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड बाई द स्टेट। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। This led to the emergence of a society that was composed of large number of autonomous and internally egalitarian over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded. इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। दिस वॉज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम, यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। हाउएवर एज वी विल सी चैप्टर 8, दिस पिक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी वॉज फार फ्रॉम ट्रू। परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 16th and 17th century रूरल सोसाइटी वॉज कैटेगराइज्ड बाई कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद थे। At one end of the spectrum were the big जमींदार्स who enjoyed superior rights in land and at the other the untouchable landless laborers. In between was the big peasant who used hired labor and engaged in commodity production and the smaller peasant who could barely produce for his subsistence. तो एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अछूत भूमि विहन श्रमिक यानी कि बलाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। अब हम लोग इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी यानी कि एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। वाइल बर्नियस प्रीऑक्यूपेशन विद प्रोजेक्टिंग द मुगल स्टेट एज टाइरेनिकल इज ऑब्वियस, हिज डिस्क्रिप्शंस ओकेजनली हिंट एट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। फॉर इंस्टेंस ही फेल्ट दैट आर्टिसियंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर सिंस प्रॉफिट वे अप्रोप्रिएटेड बाई द स्टेट। तो उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। मैन्युफैक्चरर्स वेयर कंसिक्वेंटली एवरीवेयर इन डेक्लाइन। एट द सेम टाइम ही कंसीडर्ड दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीसियस मेटल्स फ्लोड इन टू इंडिया एज मैन्युफैक्चरर्स वेयर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ही ऑल्सो नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज। इसलिए उत्पादन हर जगह पद्मोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनियम से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर दिया हुआ है, ये मुगलों का चम्मच है। सोचिए उन चम्मच पे कितनी नक्काशी की हुई है, कितना सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। सो ये गोल्ड है और इस चम्मच पे रूबीज भी लगाए हुए हैं। तो ये सोने का चम्मच जिसमें पन्ने व माणिक जड़े हुए हैं, मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 17th century अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। This was on average higher than the proportion of urban population in the Western Europe in the same period. In spite of this, Bernier described Mughal cities as camp towns, by which he meant towns that owed their existence and depended for their survival on the imperial camp.
यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों का था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। He believed that this came into existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out. He suggested that they did not have viable source and social and economic foundations but were dependent on imperial patronage. उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इससे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रशय पर आश्रित रहते थे। एज इन द केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप बर्नियर वॉज ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। भू स्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, कोर्ट टाउन्स, सेक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स एक्सेट्रा। देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और कीन टाइज एंड वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे, अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स एंड देयर चीफ द सेठ। इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड द नगर सेठ। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियंस, हकीम और वैद, टीचर्स, पंडित और मुल्ला, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। वाइल सम डिपेंडेड ऑन इंपेरियल पेट्रोनेज, मेनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पेट्रोन्स, वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट्स और बाजार्स। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अभिवक्ता यानी वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रशय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 टॉपिक जो कि है वुमेन स्लेव सती एंड लेबरर्स। इसका मतलब है महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। Travelers who left written accounts were generally men who were interested in and sometimes intrigued by the condition of the women in the subcontinent. जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासा पूर्ण लगता था। Sometimes they took social inequities for granted as a natural state of affairs. कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। फॉर इंस्टेंस, स्लेव्स वेयर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स लाइक एनी अदर कमोडिटी एंड वेयर रेगुलरली एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट्स। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। व्हेन इब्न बतूता रीच्ड सिंध, ही परचेस्ड हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स एज गिफ्ट फॉर सुल्तान महमूद बिन तुगलक। व्हेन ही रीच्ड मुल्तान, ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव एंड हॉर्स टुगेदर विद रेजिन्स एंड आलमंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म्ड इब्न बतूता वाज सो हैप्पी विद द सर्मन ऑफ द प्रीचर नेम्ड नसीरुद्दीन दैट ही गेव हिम 100,000 टाकस यानी कि क्वाइंस एंड 200 स्लेव्स। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान महमूद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। It appears from the Ibn Battuta's account that there was considerable differentiation among slaves. Ibn Battuta ke vivran se pratit hota hai ki daason mein kaafi vibhed tha. Some female slaves in the service of the Sultan were experts in music and dance and Ibn Battuta enjoyed their performance at the wedding of the Sultan's sister. Sultan ki seva mein karyarat kuch daasiyan sangeet aur gayan mein nipun thi aur Ibn Battuta Sultan ki behan ki shaadi ke avsar par unke pradarshan se khoob aanandit hua.
फीमेल स्लेव्स वेर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाई द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स. सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था. स्लेव्स वेर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर एंड इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विसेज पार्टिकुलरली इंडिस्पेंसेबल फॉर कैरिंग वुमेन एंड मेन ऑन पैलेंक्विंस और डोला. दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया. द प्राइस ऑफ स्लेव्स पार्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो एंड मोस्ट फैमिलीज वुड कुड अफोर्ड टू डू सो केप्ट एट लीस्ट वन और टू ऑफ देम. दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो तो रख ही रहते थे. कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स ऑफन हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज. सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था. Not surprisingly, Bernier chose the practice for sati for detailed description. He noted that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to die. इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना. उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था. However, women's lives revolved around much else besides the practice of sati. लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था. देयर लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था. वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज समटाइम्स इवन टेकिंग मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ. इट देयरफॉर सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वेयर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स. व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी. अतः असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों पर परिसीमित कर रखा जाता था. सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. उम्मीद है आप लोग को सारा वीडियो समझ आया होगा. जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा वो आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे हर चीज़ से रिलेटेड. कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.